दोस्तों, मैं डीडी ऋषि फिर एक बार आपको अपनी शायरी से रूबरू करवाते हुए हाजिर हूँ। ये शुरू शुरू की बात है, जब मैंने शायरी लिखना शुरू किया था, शायद उस टाइम मैं इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर चुका था, 67-68 की बात होगी। मुझे वाकया तो याद नहीं है, लेकिन किसी तरह किसी चीज़ से मुतासर होकर मैंने एक शेर लिखवाया, और शेर लिखने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा, ये शेर कहीं मेरी जिंदगी पे सही तो नहीं उतर जाएगा। वो शेर पेश करता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग शेर है। है नहीं काबिल अपने कोई इस जमाने में, है नहीं काबिल अपने कोई इस जमाने में, कट गई जिंदगी अपनी बस इसी बहाने में। तो कोई भी इंसान सोच सकता है 17-18 साल की उम्र में ये शेर क्यों लिखा। मुझे भी पता नहीं शेर क्यों लिखा, पर जो जो वक्त गुजरता रहा, मैं लोगों से मिलता रहा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि मुझे कुछ क्लिक नहीं कर रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, जिंदगी कुछ मिस है, जिसकी तलाश थी मुझे कुछ नजर नहीं आया। वो इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर मैंने एक शेर लिखा, बड़ी छोटी सी चीज लिखी। सर्वोत्तम की खोज में मैंने ना जाने कितने उत्तम खो दिए। ये हिंदी की चार 10 वर्ड हैं, लेकिन एक शायर सब कुछ इस पे कह देता है। सर्वोत्तम की खोज में मैंने ना जाने कितने उत्तम खो दिए। और फिर बाद में इसी को मैंने उर्दू में पूरा शेयर किया कई वर्षों तक। सबसे हसी की तलाश में न जाने मैंने कितने हसीन खो दिए, सबसे हसी की तलाश में न जाने मैंने कितने हसीन खो दिए, अपने जहन में इस तरह मैंने मोहब्बत के बीज बो दिए। अब मोहब्बत के बीज बोने के बाद मुझे अंदर से खौफ सा लगने लगा कि मुझे जिसे जिसकी तलाश है वो लगता है, जब मेरा शेर कहीं सही ना उतर रहा है मेरे मेरे मेरी जिंदगी में। जो शेर था सबसे पहले लिखा था, है नहीं काबिल अपने कोई जमाने में, कट गई जिंदगी अपनी बस इसी बहाने में। वर्षों तक मैं इस पर कुछ नहीं लिखा। उसके बाद फिर मैं इसी चीज को आगे ले जाते हुए दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने एक दिन रात को कभी शेर फूटा दिमाग से, बड़ा गजब का शेर है। वो शेर लिखने के बाद बरसों तक मैं कुछ नहीं लिखा, स्पेशली उस सब्जेक्ट पे कुछ नहीं लिखा। शेर पेश करता हूं। अपनी जो कभी उनसे चार नजर हो जाए, मैं जिसकी तलाश में था अगर वो कहीं मिल जाए मुझे तो, अपनी जो कभी उनसे चार नजर हो जाए। दूसरी लाइन सुनने वाली है, फिर पहली लाइन दोहरा के फिर दूसरी लाइन बोलूंगा। अपनी जो कभी उनसे चार नजर हो जाए, शबे मायूसी से उम्मीद सहर हो जाए। अगर जिस दिन वो मुझे मिल जाए, उस दिन मायूसी की रातों से उम्मीद की सहर हो जाए, उम्मीद का दिन खिलाएगा। यह शेर लिखने के बाद मैंने परसों तक मैंने कहा और क्या लिख सकता हूं मैं, सब्जेक्ट पे और नहीं लिख सकता, इससे बेहतर कुछ नहीं लिख सकता। लेकिन जो जो अरसा गुजरता गया, मैंने कहा नहीं, ये मजमून बहुत जबरदस्त है। बहुत बरसों बाद, मेरा ख्याल 10-15 साल बाद, मैंने इस शेर पे गजल पूरी की, इसको मतलब बनाया। तो पूरी गजल पेश करता हूं, मुलाजा फरमाइए। अपनी जो कभी उनसे चार नजर हो जाए, अपनी जो कभी उनसे चार नजर हो जाए, शबे मायूसी से उम्मीद सहर हो जाए। दर्द में चैन मिले और चैन में बेचैनी सी। बहुत लाइनें सुनने वाली हैं, इसको एहसास करिए जरा। दर्द में चैन मिले और चैन में बेचैनी सी, ऐ काश हम पे कोई ऐसा असर हो जाए। अपनी जो कभी उनसे चार नजर हो जाए, शबे मायूसी से उम्मीद सहर हो जाए।
ठंडक जहां वफा की तपस इकरार की मिले। ठंडक और तपस दोनों, ठंडक जहां वफा की तपस इकरार की मिले, ऐसे किसी जहां में पल चार गुजर हो जाए। ठंडक जहां वफा की तपस इकरार की मिले, ऐसे किसी जहां में पल चार गुजर हो जाए। अपनी जो कभी उनसे चार नजर हो जाए, शबे मायूसी से उम्मीद सहर हो जाए। एक गजल बड़ी लंबी है, कई शेर हैं, लेकिन इसका आखिरी शेर सुनाता हूं। तूफान बंधे जिगर में है सागर निगाह में, तूफान बंधे जिगर में है सागर निगाह में, तोड़ दें कसम सितम आजाद लहर हो जाए। अपनी जो कभी उनसे चार नजर हो जाए, शबे मायूसी से उम्मीद सहर हो जाए। दर्द में चैन मिले और चैन में बेचैनी सी, ऐ काश हम पे कोई ऐसा असर हो जाए। अपनी जो कभी उनसे चार नजर हो जाए, चार